يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورد ترتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد دوة أو وأقوى مقيلا إن صباحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا <applause> يا أيها المزمل اي كبر من لبطن والي اي كبر من لبطن والي قم الليلة کھڑے ہو رات إلا قليلا مگا تھوڑا او انقص منه قليلا يا कम करें इससे व रतिल कुरान तर्तीला या ज़्यादा करें उस पर और ठहर थे, ठहर कर पढ़ें क़ुरान तरतीला साफ साफ तरतीला साफ साफ, साफ।, साफ साफ इन्ना सनकी कौलन सकीला बेशक हम अनकरीब डालेंगे आप पर सकीला भारी बात इन्ना न शतल बेशक उठना रात का अशद दुत अकवा मिला उस सख्त है कुचलने के एतबार से व मुकीला और ज़्यादा सीधा बात के अतबार से इन न लगा फिन नहार तवीला बेशक आपके लिए फिनार दिन में सबहन हन तैरना मशगला है तवीला लम्बा वज़ुर इस मबी का और ज़िक्र करें अपने रब का रब के नाम का वो तब तल अली ही तबतीला और, और लो लगाएँ उसकी तरफ लो लगाना पूरा पूरी तरह से रबालमशालमरब वो मशरिक के रब हैं और मगरिब के रब है नहीं कोई मबू सिवाय उसके फतहू वकीला फ़ेज़हू पस उनको बना वकीला अपना कारसाज़ वकीला मतलब कारसाज़ वकील कहते हैं कारसाज़ को वस यकूलून और सबर कर उस पर जो वो कहते हैं वह जुर्म हजरन जमीला और छोड़ उनको छोड़ना खूबसूरत वज़रनी नी वज़रनी वज़र तो ये दे रहे हैं आपका किसके बारे में दे रहे हैं ये सूर मुज़मिल है और ये अपने नबी आखर नबी वसल्लम की ज़बान मुबारक से मतद्द ऐलान कराए इस तरह अब रसालत का बयान शुरू होता है इस सूरत का गुजतः सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहजद का हुक़ुम है और यह हुक्म उम्मत के लिए भी है तहजुद का आखिरी आयत में सहबा के तहजद पढ़ने का जिक्र है फिर उम्मत को दावत दावत गुफार का भी जिक्र है फिर आखिरी आयत में उम्मत अजाबा यानी मोमिन का जिक्र है सूरत के शुरू में रसूल वसम के लिए चंद आकाम हैं, फिर पूरी सूरत में कुफार का जिक्र है कि कभी अमल के लिए मनसूख नहीं किया जाता था जो हुक्म आप पर आया और ऐसी सूरत में असल हुक्म इस्तेहबाब बाकी रहता है जैसे महराज में पहले पचास नमाजें फ़र्ज की फिर अमल से पाँच कर दी फिर मगर पाँच नमाजों का इस्तेहबाब अब भी बाकी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास उम्मत रात दिन पचास रकतें पढ़ते थे क्योंकि असल नमाज एक रकत है दो रकतें हैं और शफा जोड़ी हैं दूसरी मिसाल है कि पहले रात भर इबादत का हुक्म दिया थोड़ी देर मुस्तना किया फिर दूसरी आयत में उसके हुक्म के अमल कर को शुरू करने के लिए मजसूक करके आधी रात का हुक्म दिया और कहा इबादत करने का हुक्म दिया इसमें मसलहत है इस, इस तरीक़े से अमल आसान हो जाता है अब बंदे खुशी खुशी पांच नमाजें पढ़ते हैं इस तरह बंदे ख़ुशी से आधी रात इबादत करें क्या शुरू में तहजद वाजिब था मशहूर यह है कि तहजद फर्ज था फिर एक साल के बाद आखिरी आयत से इसकी फर्जियत ख़त्म की गई मगर आखिरी आयत में है तो नमा यानी सहाबा की एक जमात भी तहजद पढ़ती है अगर तहजद वाजिब होता तो सब सहाबा पढ़ते बस सही यह है कि शुरू ही से तहजद है ते है फिर बोल रहे हैं आखिरी आयत के ज़रिए तजब का इस्ते किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर तक तहजद वाजिब था अब ये मसला तय करना ज़रूरी नहीं था नहीं कि वजूब का कौल मरजूह है सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तुम की हदीस है कि अगर किसी दिन आपकी आँख ना खुलती या सोने का तकाजा होता तो आप सूरज निकलने के बाद इसका बदल बर रहा करते तहजद वाजिब होता तो आप कैसे छोड़ते शाह रहमतुल्लाह रही ने लिखा है कि आपने मुस्तलफा की रात में बिल्कस नहीं पढ़ा था ताकि इसके वजूब का गुमान ना हो इसलिए यह है कि आपके लिए भी नाफिलतल यानी इसकी तायद होती है से इसकी तायद होती है